अपहरण कत्ल की कहानी। 4 माह से सुभांशु दोस्ती बढ़ा रहा था रियाज। बड़ी खबर, औरैया जिले में अपहरण सराफा कारोबारी के इकलौते पुत्र की हत्या में पकड़े गए आरोपियों ने सूत्रों के अनुसार पूछताछ में 50 लाख रुपए फिरौती मांगने की साजिश होने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने इस तरह की जानकारी से इनकार किया है। घटना में हत्यारोपी की ओर से कस्बे के कई युवाओं को घटना वाले दिन वृंदावन चलने का न्योता दिया था। गनीमत यह रही कि युवाओं के परिजनों ने जाने की अनुमति नहीं दी, इससे वह सभी बच गए। बता दें कि शनिवार को रियाज उर्फ मुन्ना घर के सामने रहने वाले सुभान को MS इंटर कॉलेज के पीछे स्थित क्रिकेट मैदान से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। सूत्रों के मुताबिक जहां रियाज ने उसे दूसरे आरोपियों के सुपुर्द कर दिया। उक्त लोग सुभान को सबसे पहले नोएडा में उमरैन निवासी अंकित के कमरे पर ले गए। इसी बीच कुछ लोग हत्यारोपियों को फोन करके पुलिस की पल पल की जानकारी दे रहे थे। वहीं दिल्ली पुलिस की मदद से पुलिस ने एक कार से अटैची में बंद किशोर के शव को बरामद किया।